उत्तर प्रदेश के बस्ती के कद्दावर नेता रामप्रसाद चौधरी इस बार भी समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताते हुए लोकसभा चुनाव मैदान में उतार कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। रामप्रसाद चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सांसद रहने के बाद वे लगातार 5 बार विधायक भी रहे हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन में उन्हें प्रत्याशी के तौर पर पार्टी ने मैदान में उतारा था। रामप्रसाद चौधरी लगभग 69 साल के हैं। जिले के कप्तानगंज विधानसभा सीट से वे लगातार 5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पद पर काबिज रहे। इसके साथ ही खलीलाबाद लोकसभा क्षेत्र से 1 बार वे सांसद भी रह चुके हैं। बसपा सरकार में खाद रसद व पंचायती राज विभाग में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सर आज जो है सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और आप लोकसभा 61 से जो है जगह मिला है, क्या कुछ कहेंगे बस्ती वासियों के लिए? सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे और मैं बस्ती वासियों से के बीच में मैं कोई नया नहीं जी। लगातार 40 वर्षों से कहा जा रहा है कि बीजेपी तरह तरह का जो है विकास गिना रहा है, बस्ती में कौन से मुद्दे लेके आप उतरने वाले हैं, क्या कमियां इस है बस्ती में? बस्ती में बीजेपी ने एक झूठ का पुलिंदा 2014 में पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को और बस्ती के लोगों को भी दिया है कि किसान की आमदनी दूना कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, रोजगार 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष देंगे और काला धन वापस लाएंगे 100 दिन में और बेरोजगारी समाप्त कर देंगे। ये तो यही सब तो मुद्दे हैं आज जनता के बीच में, तो बस्ती और इन्हीं को लेके हम जाएंगे जी। कि जब रोजगार मिला नहीं, किसान की आमदनी दूना हुई नहीं, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं, कम के बजाय दूना तीना महंगाई पहुंच गई, तो यही सब जनता के बीच, यही सब तो जनता की मांग है, यही सब जनता के बीच लेके जाना है। तो 24 आ भी गया है और आप घोषित भी हो गए हैं प्रत्याशी के रूप में, क्या लगता है आपका क्या मुद्दा रहेगा, मेन मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा होगा कि कानून व्यवस्था कायम हो देश में, रोजगार बढ़े, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, महंगाई कम हो, ये सब मुद्दे लेके। जीरो टॉलरेंस की बात करती है बीजेपी, क्या लगता है इससे जो है बीजेपी का कानून व्यवस्था सही नहीं है क्या? कहाँ आपको कानून व्यवस्था सही, अब बनारस विश्वविद्यालय के देखें हालत किस तरह, बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने लड़की के साथ अत्याचार अन्याय किया और फिर उसका फोटो वायरल किया, किस तरह से और किस तरह से घूमते रहे, किस तरह से कितने दिनों बाद गिरफ्तारी हुई, किस तरह से हुई, कहाँ जीरो टॉलरेंस। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।